व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज इंजीनियर, वेलकम बैक टू माय चैनल चैनल ब्लॉग्स। तो यार हमारे चैनल पे, मतलब मेरे चैनल पे या फिर हमारे जो भी है, इस पे हमेशा से एक चीज़ कॉमन रही है कि मैं हर अपनी पिछली वीडियो में ये बोलता हूँ कि इस वीडियो के बाद से आई विल ट्राई थिंकिंग क्यों ना थोड़ा सा कुछ टाइम फिर से कंटिन्यू किया जाए। कभी ऐसा हो नहीं पाया था क्योंकि अब होगा, तो कहानी स्टार्ट होती है हमारे लास्ट व्लॉग से, माय लास्ट व्लॉग अबाउट आर्मी भाई वर्जन 2, जिसके बारे में बहुत सारी मैं ट्राई की बनी थी कि बाइक मैंने लिया ये वो, जबकि मैंने वीडियो में क्लियरली बोला था कि मेरे फ्रेंड ने लिया। तो बाइक की स्टोरी बताने से पहले और वीडियोस क्यों नहीं है उसके बाद ये बताने से पहले आपको एक कैरेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। उनका नाम है बबलू भैया। तो बबलू भैया हमारे गरीबों के दानिश जैन मान लो उनको। तो बबलू भैया ने बाइक ली थी R15 V2, उसके बाद हमने उसमें रैप अप कराया था ये वो। तो उसमें हमने सोचा था कि अच्छी खासी मॉडिफिकेशन कराएंगे, जिसका सोचने वाला मैं था ऑफकोर्स, और शागिर्द भी हेल्प लेते और लोग भी थे। बट बाइक लेने के दिन ही बबलू भैया क्रैश डेड बाइक, उसकी फुटेज बेटे। तो बाइक क्रैश हो गई थी और हमारे जो राइडर भैया थे उनके पूरे हाथ में इधर उधर सब जगह चोट लगी हुई थी। तो फिर वो इस हालत में थे नहीं कि वो बाइक चलाते। तो हमने उसमें रैप अप कराया ये वो। तो फिर उसके बाद वी थॉट कि वो बाइक को सेल कर दें। उसके बाद OLX पे थोड़ा पोस्ट वोस्ट डाला है, एंड देन वी सोल्ड द बाइक। ये सब कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ? तो एक चीज़ होती है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो दैट्स हाउ व्लॉग वर्क्स, कि अपना जो पहला व्लॉग है, प्रीवियस व्लॉग, उसके बाद जो व्लॉग है उसमें कुछ कनेक्शन होना चाहिए। तो वो कनेक्शन वहाँ से यहाँ आया, और उसके बाद आई डिडंट अपलोडेड एनी वीडियो क्योंकि बाइक की बिक गई। तो उसके बाद हम फिर से कंटेंट की तलाश में थे। उसके बाद बहुत सारे प्लान्स बने, जैसे कि वन वाज बाइंग अ स्कूटर, बहुत एक पुराना स्कूटर था उसको खरीदने की कुछ प्लानिंग हो रही थी, और उसको भी कुछ कस्टमाइजेशन का ये वो कुछ समथिंग लाइक दैट हम ऐसा कुछ सोच रहे थे, बट वो भी नहीं हुआ। उसके भी कुछ क्लिप्स देख लो, तो उसको भी दे रहे थे लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर से सेम चीज़, आई वॉज सर्चिंग फॉर कॉन्टेंट, बट अचानक से हमको एक न्यूज़ मिलती है कि हमारे कॉलेज खुल रहे हैं। तो हमको लगा कॉन्टेंट, तो कॉलेज की खुलने की न्यूज़ के साथ साथ हमारा कॉन्टेंट ढूंढने की तलाश फिर से शुरू हो गई थी। लाइक RT-PCR टेस्ट, सो आई थॉट व्हाई डोंट आई मेक अ वीडियो अबाउट माय RT-PCR टेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि अपने परिवार का पहला लौटना था जो RT-PCR टेस्ट करा रहा था। बट RT-PCR टेस्ट हम कराने गए तो वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, तो वो प्लान भी कैंसिल। देन कॉलेज जाने की वीडियो, सामान बैग, ये रजाई, गद्दा, इसमें थोड़ा और सामान, बाल्टी मग्गा, कॉपी किताब, ये बैग खाली, ये कपड़े आज के, और ये थोड़ा सामान। बट वो भी हमने अपलोड नहीं की बिकॉज, तो सच कहूँ तो मन नहीं किया वो वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि थोड़ा पीयर प्रेशर ये वो काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक्सपीरियंस फर्स्ट डे का क्या था, मैं सेकंड डे गया था, उससे पहले भी कभी काफी स्टोरी थी। बट वो भी आपके भाई ने मिस कर दी। तो उसके बाद द फर्स्ट डे आई थॉट कि
ओके नाउ आई विल मेक व्लॉग्स, बट पहले दिन हम सब धूप से ही रहे थे तो उसमें भी हमने कुछ बनाया नहीं. हम सब फर्स्ट ईयर के लड़के सब बैठ के धूप से ही रहे थे. तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जिसका मैं व्लॉग बना सकता था. हमारे जैसे कॉलेज में फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरा और मेरा रूममेट का प्रतीक का, और उसके साथ और जैसे वो बैठक हम बनाते थे सब लोग अपने बैठ के, 204 रूम नंबर हमारा, तो उसमें हम लोग सब लोग बैठ के गाने वाने गाते थे. ये वो बचपन हो गया, जवानी गई, एक पल तो there were many things that was going around, but उसका भी हमने व्लॉग नहीं बनाया. दैट वर मेनी थिंग्स. इंग्लिश देख लो मैसेज कितने आते हैं. ये तो आगे का था, भूल गया. तो ये सब आपके भाई को कंटेंट नहीं लगा. हमको लगा कि दिस विल नॉट बी अ गुड कंटेंट, बट इन्हीं सब चीज़ों का व्लॉग हमारी एक बैचमेट नहीं गया, मतलब निशिता जोशी, यू कैन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसके चैनल का, वो वीडियो भी देख लेना, आपका भाई दिख जाएगा शायद उसमें एक वीडियो में. तो फिर उसको देख के मुझे मोटिवेशन आया कि आई शुड ऑल्सो ट्राई तो करूँ कम से कम ब्लॉग्स बनाने की. तो लास्ट ब्लॉग के बाद ही शायद 2 या 3 महीने. और एक चीज़ जो मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं करी, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से हो तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर तो खैर कुछ खास बड़े ही नहीं है, बट आवर चैनल हैज़ कम्प्लीटेड 1 ईयर. तो एक साल से मतलब एक साल हो गया है चैनल स्टार्ट करे हुए और वीडियो 10 भी डाली है. तो ये सब छोड़ो, ये सब तो फालतू की मतलब आगे की बातें हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो अभी तो बहुत दूर तक जाना है और आई होप सो कि जा पाएं. मेन टॉपिक पर बात करते हैं. ये जो मैंने व्लॉग बनाया, ये व्लॉग का रीजन नंबर 1 कॉन्टेंट मिल जाओ, नंबर 2 मुझे अपना लाइटिंग सेटअप चेक करना था. तो दिस इज माई लाइटिंग सेटअप. तो ये लाइट जो है ये मैंने तो ये जो है मैंने एक सॉफ्ट हाउस बनाने की कोशिश की थी, इसके बारे में कोई बाद में बता दूंगा. तो अभी जो ये जो वीडियो थी एक बताने के लिए था कि हाँ आपका भाई कहाँ था और हाँ आपका भाई कहाँ था. तो अब जो नेक्स्ट जो एक दो व्लॉग होंगे उनके लिए थोड़ा सा आइडिया मेरे पास कि अगर आपने कोई इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो कर लो, और जो करते हैं तो उन्होंने कोई मेरे दो फोटोज़ देखी होंगी और अगर कभी अच्छी लगी होगी तो मतलब कमेंट तो आती है, खैर ठीक है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो लिख के बनाऊँ कि क्या कहते हैं स्टोरी बिहाइंड माय बेस्ट फोटोज़, ऐसे करके मतलब जो भी है कोई बड़े फोटोग्राफर्स यूट्यूबर्स होते हैं वो ऐसी वीडियो बनाते हैं. तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें ऐसा. तो उसके लिए आई नीड अ सेटअप, और सेटअप हमने तैयार किया है. यहाँ पे 3 तरह की लाइटिंग, मतलब 5 लाइट है अभी टोटल इस रूम में. तो उस सब के बारे में डिकोडिंग बाद में करेंगे. तो लाइटिंग सेटअप कैसा था मेन सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना मुझे. और एक और चीज़ बोलने में मेरी बहुत बार कहता हूँ कि मेरी आवाज़ कम आ रही है. तो इस व्लॉग में मैंने ट्राई किया कि जोर जोर से बोलूँ, और गर्म बहुत हो रहा है भाई साहब, ना फैन खोला है ना कूलर खोला है और एसी तो क्या करेंगे एसी. हाँ तो स्वेटिंग अगर इधर उधर से थोड़ी आ रही होगी तो माफ करना. तो दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग. इस व्लॉग में कुछ ऐसा खास था नहीं, बट एक स्टोरी टेलिंग थी. आई होप कि स्टोरी टेलिंग पसंद आई होगी. तो जैसे भी था अपने रिव्यूज अपने कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर बताना. खैर इंट्रो देख लो, और दिस इज योर इंसिनरेटर साइनिंग ऑफ. व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज इंसिनरेटर, वेलकम बैक टू माय चैनल इंसिनरेटर.